हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग के बारे में। देखिए, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग क्या है? एक प्रोसेस है टू डिजाइन ए स्कीमा इन डिटेल, ठीक, और समराइज इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा वेयर हाउस। यानी कि हम लोग एक प्रोसेस है ऐसे कि हम लोग स्कीमा को डिजाइन करेंगे और वहीं पे हम लोग समराइज इंफॉर्मेशन को डिजाइन करेंगे, किसकी? डेटा वेयर हाउस की। उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग। पॉइंट नंबर वन, हम लोग स्कीमा को डिजाइन करेंगे डिटेल फॉर्म में। सेकंड, हम लोग समराइज इंफॉर्मेशन को हम लोग डिजाइन करेंगे डेटा वेयर हाउस की। अब देखिए, डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग को ये क्या है? एक पहला स्टेज है, इनिशियल स्टेज है टू डेवलप डेटा वेयर हाउस, ठीक। अब इसके दो मेन कारण होते हैं कि डेटा वेयर हाउस हम लोग बनाने का। पहला जो रीजन होता है, ठीक है, डेटा वेयर हाउस बनाने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसको समझ पाए, डेटा स्टोर कर पाए। और डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग का बनाने का मतलब ये होगा क्योंकि ये इनिशियल स्टेज होता है, ये होता है इनिशियल स्टेज। इसका बनाने का दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है, जो क्लाइंट है ना, उसको विजुलाइज, हम लोग उसको विजुलाइज करा पाए कि कैसे रिलेशनशिप, डेटा जो रिलेशनशिप है डेटा का, वो कैसे हो रहा है डेटा वेयर हाउस के अंदर। ये पहला रीजन है। और सेकंड रीजन ये है कि जो कॉस्ट होती है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक, डिक्रीज हो जाए और वो इजी हो एक्सेस करने में। ये दो मेन रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो क्लाइंट है उसको हम लोग विजुलाइज करा पाए कि जो रिलेशनशिप है डेटा का वेयर हाउस के अंदर, वो कैसे दिखे, वो इजी फॉर्म में वो समझ पाए वो क्लाइंट, वो, ये पहला रीजन है। सेकंड रीजन ये है, जो कॉस्ट है जो स्ट्रक्चर बनाने की, इम्प्लीमेंटेशन की, वो कम हो जाए और वहीं पर जो डेटा वेयर हाउस की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए। ये दो मेन रीजन है डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग बनाने में, मॉडल बनाने में, ठीक। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा मॉडलिंग और डेटा मॉडलिंग इन डेटा वेयर हाउस डिफरेंट होता है डेटा वेयर हाउस इन ODS। ODS मतलब होता है ऑपरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट। अब क्यों डिफरेंस होता है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जो डेटा वेयर हाउस वो मॉडलिंग है जो डेटा वेयर हाउस के अंदर, ये डिफरेंट होता है किससे? ODS। ODS क्या है? ऑपरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लिख देते हैं यहाँ पे, ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो ODS है ना, इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं कि हम लोग उसको अपडेट करें। सबसे पहले जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है कि अपडेशन, किसी चीज को अपडेट करें, डिलीट करें या इंसर्ट करें, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं किसके अंदर? ODS के अंदर। बट वहीं पे अगर डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग की बात करें, डेटा वेयर हाउस के अंदर, उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जो इसके जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से परफॉर्म होते हैं। सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग किसी चीज को क्रिएट करते हैं और उसमें अपडेट करते हैं, ठीक, इसीलिए डिफरेंट होता है ODS से। आपको इतना समझ में आया क्या? अब जो मॉडल की बात करें, डेटा वेयर हाउस मॉडल की बात करें, इसमें देखो क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या? हम लोग डेटा को लाते हैं, डेटा जो इनिशियल फेज होता है डेटा मॉडलिंग, उसमें हम लोग क्या सबसे पहले होता है कि डेटा हम लोग लाएंगे कहां से? डेटा लाने के बाद देखिए, हम लोग के जो सोर्स हैं, OLTF डेटाबेस, DB2 डेटाबेस, ओरेकल, और मल्टीपल लोकेशन से हमारा डेटा आता है। आने के बाद वो डेटा हम लोग क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। ऑप्टिमाइज डेटा वेयर हाउस मतलब एक समझ लीजिए एक लोकेशन है जहां पर डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक, स्टोर होता है, या कह लीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो परमानेंट डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइज वेयर हाउस लोडर, जहां पे डेटा हमारा लोड होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग डेटा वेयर हाउस में जो कुछ होता है, जैसे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से हम लोग उसको डेटा को परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद टूल की हेल्प से उस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब हो गया कि हम लोग उसमें डेटा माइनिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोजिटरी बनाते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं अपने बिजनेस के लिए, हेल्प करने के लिए, उस डेटा को बिजनेस में लगाने के लिए। आपको पता होगा कि जब डेटा हमारे पास लोड हो जाता है और कुछ टूल्स की हेल्प से डेटा को निकालते हैं एनालाइज करने में, तो उसका डेटा का इस्तेमाल करते हैं कि अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाए, ठीक, बिजनेस को और आगे बढ़ा पाए, ठीक, उसका हेल्प होता है यहाँ पे। इसी के बोलते हैं डेटा वेयर हाउस मॉडल। नाउ अगर हम लोग इनसाइड आर्किटेक्चर की बात करें डेटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक, ये देखिए डेटा इनसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पर डेटा इनसाइड में देखिए चार चीजें होती हैं, क्या कौन सी है? देखिए, हाईली समराइज, ठीक, लाइटली समराइज, करंटली डिटेल और ऑर्डर डिटेल।
अब एक एक करके बात करेंगे। देखिए ऑर्डर डिटेल, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि ऑर्डर डिटेल की बात करें तो ये क्या है, एक स्टोर है। यहाँ पे मैसिव इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ये जो चीज देख रहे हैं आप लोग, ऑर्डर डिटेल डेटा है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, और ये डेटा छोटा मोटा डेटा मतलब हाई वैल्यूम में डेटा होता है, ठीक। उसके बाद डेटा होने के बाद ये जो एक लेवल अप जाता है डेटा, हमारे पास यह क्या है, मास मास स्टोरेज है हमारे पास। यहाँ पे मास स्टोरेज के बाद एक लेवल ऊपर जाता है डेटा, फिर यहाँ पे करंट डिटेल लेवल आता है। अब देखो करंट डिटेल लेवल में क्या होता है ना, यहाँ पे डेटा को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, ठीक। मैनेज करने के बाद डेटा को यहाँ पे ये चेक किया जाता है डेटा किस फॉर्म में है, डेटा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होना है, ये सब यहाँ पे होता है करंट डेटा डिटेल में। अब यहाँ से डेटा को दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। जैसे कि लाइटली समराइज डेटा आ जाता है यहाँ पे, जो टॉप एक लेवल और ऊपर जाएगा तो आ जाएगा लाइटली समराइज डेटा। ठीक है, लाइटली समराइज डेटा में क्या होता है कि हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, लो लेवल से, यानी कि डिटेल लेवल से, करंट लेवल से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डेटा को हम लोग स्टोर कर देते हैं किसी डिस्क स्टोरेज में। डिस्क स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर देते हैं। अब जब डिस्क स्टोरेज में डेटा हमारा स्टोर हो गया, अब यहीं से हम लोग डेटा वेयर हाउस की बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, या कह लीजिए हम लोग कि डेटा के जो टाइम फ्रेम है, यूनिट ऑफ टाइम कि जो समराइजेशन होता है डेटा का, वो यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट समराइज करते हैं, डेटा को समराइज करते हैं, या कह लीजिए हम लोग डेटा को एक डेटा वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, और वहीं से डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, या कह लीजिए टूल्स की हेल्प से उसको हम लोग मल्टीपल चीजों में यूज करते हैं, ठीक। अब लाइटली समराइज डेटा के होने के बाद इसको एक लेवल और ऊपर जाता है, वहां पे आ जाता है हाईली समराइज डेटा। कि हाईली समराइज डेटा में क्या होता है कि ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, ये डायरेक्टली अवेलेबल होता है। किसको अवेलेबल होता है कि जो आउटसाइड होते हैं ना, जो मान लीजिए कस्टमर हो गया, डेटा हो गया कोई, उनको ये क्या, ये हाईली समराइज क्या होता है कि एक डिटेल फॉर्मेट डेटा हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि एक एक लेखक है, एक राइटर है, तो उसको बुक लिखनी है, तो सबसे पहले क्या करेगा, बुक किस टॉपिक पर लिखेगा, उस टॉपिक के हम वो क्या करेगा, विजिट करेगा, उस टॉपिक के बारे में जानकारी निकालेगा। जानकारी निकालने के बाद वो एक प्लेस पर डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको एक लेवल अप ले जाएगा, उसको क्या करेगा, उस जो डेटा उसके पास आ गया है ना, जब मल्टीपल सोर्स है उसको डेटा आ गया है, अब उसको एक लोकेशन पर रखेगा। रखने के बाद उस डेटा को क्या करेगा, उसमें से कुछ पॉइंट निकालेगा कि उसको बुक में लिखना है। उससे लिखने के बाद एक पॉइंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि एक डेटा ये बन गया, एक डेटा ये बन गया। अब इस डेटा को क्या करेगा, किसी चीज में स्टोर करेगा कि अब इसी, अब ये हमारे पास डेटा आ गया है जिस जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमको बुक में लिखनी है, अब उसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर बुक में, बुक के फॉर्म में उसको, वो जो अपनी स्टोरी हो उसको उतार देगा। अब ये जो बुक है ये सबके पास अवेलेबल हो जाएगी, ये क्या करेगा, पब्लिश कर देगा। सेम काम यहाँ पे होता है हाईली समराइज में, ये डेटा क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और ये सबको अवेलेबल होता है जो आउटसाइड डेटा वेयर हाउस के होते हैं, ठीक। ये अगर आप एग्जाम्पल राइटर का समझ सकते हैं कि वो मल्टीपल लोकेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टोर पर एक एक लोकेशन पर उसको रखता है, और उसमें से चेक करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमको बुक में लिखनी है, फिर उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद उसको पता चल जाता है कि ये इंफॉर्मेशन हमको लिखनी है बुक में, उसके बाद वो राइट करता है, बुक में लिखता है और उसको पब्लिश करता है। और जो ये जो बुक लिखने वाला कॉन्सेप्ट है ये हाईली समराइज में आ जाता है, और ये जो दो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये आता है लाइटली समराइज में डेटा में। ये जो फॉर्म होता है जहाँ पे डेटा स्टोर, ये आता है करंटली डिटेल फॉर्म में, और जो जहाँ मल्टीपल डेटा में जहाँ स्टोर होता है, मासिक डेटा होता है जहाँ से, उसको बोलते हैं ऑर्डर डिटेल। इस तरह फॉर्म में इसको समझ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।